माफ कर दे मुझको, ये सब मैं नहीं कर सकती, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। वड्डा ही स्यापा है, हैं? भाई क्यों नहीं कर सकती, किस लिए नहीं कर सकती? क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? वाह वाह, बहुत अच्छे। अगर आप लोग भूल गए तो आप लोगों को याद दिला दूं कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, शादी कर ली है शाजिद, अपनी मोहब्बत को अपनी बीवी बना के वो उस घर में ले आया, और इस सारी सूरत हाल में आप लोग मुझसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं उस पे डोरे डालूं। नहीं भाई, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। अरे जो इंसान पहले मेरा नहीं हो सका है, वो अब क्या खाक होगा? मुझे पता होता ना कि आप लोग मुझे इस काम के लिए बुला रहे हैं, तो कसम खुदा की कभी भी नहीं आती। सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई हूँ, इतनी अच्छी नौकरी थी मेरी। कौन सी जॉब? वो थर्ड क्लास रिसेप्शनिस्ट वाली जॉब? भूल रही हो, जब तुम यहाँ आई थी तो 2 लाख रुपए रखे थे मैंने तुम्हारे हाथ पर। 2 लाख रुपए? यही ब्रेक मार ले, बता रही हूँ। उस 2 लाख रुपए के चक्कर में जो जासूसी वाले काम आप लोगों ने मुझसे कराए थे, वो भूल गई हैं या याद दिलाऊं? बस बस, अब ज्यादा ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है हमें, समझे? हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। अरे अपनी हद में रहो। एहसान फरामोश कहीं की। अच्छा, मैंने ऐसा क्या? इस फजूल बहस की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ शाजिर को इंप्रेस करने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि ये काम तुम पहले भी नहीं कर सकी थी और ये काम तुम कर ही नहीं सकती। तुम्हारा सिर्फ इतना काम है शाजिर और रामीन के दरमियान में बदगुमानी पैदा करना, बस। तो ये कोई आसान काम है? नामुमकिन भी नहीं है। जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाना, चंद महीनों में कहीं से कहीं पहुंचा दूंगी मैं तुम्हें। ऐसा क्या करेंगे आप मेरे लिए? बता दूंगी मैं तुम्हें, पहले सिर्फ सुनो कि तुम्हें करना क्या है।